नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। सावनेर स्थित अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए ऑनलाइन माता पिता दिवस मनाया। स्कूल के प्राचार्य राजेंद्र मिश्र ने कहा, माता पिता भगवान की ओर से हमें दिया हुआ सबसे कीमती उपहार है और हमें अपने माता पिता को महत्व तथा सम्मान देना चाहिए। माता पिता ही है जो जीवन के हर चरण में हमारा समर्थन करते हैं और हमें सही दिशा में ले जाते हैं। माता पिता ही है जो बिना किसी शर्त के सही मायने में हमारा पालन पोषण करते, हमारी देखभाल करते। माता पिता का प्यार हमें दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली होने का महसूस कराता है। वे हमेशा हमारी खुशी और सफलता की कामना करते हैं। माता पिता के बिना कोई खुशी खुशी नहीं होती। माता पिता अपने बच्चों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता हमारी मांगों को पूरा करने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। वे हमें जीवन में बेहतर इंसान बनाने के लिए हमेशा सही मार्गदर्शन और समर्थन देते हैं। हमें जीवन के हर चरण में माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनके दिशा दर्शकों को सुनना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमें वही सलाह देंगे जो हमारे हित व विकास के लिए हो। मातोश्री नगर वानाडोंगरी परिसर में मदर इंडिया प्ले स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर एक भव्य शिशु बाल एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शालिनी मेघे हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की प्रसिद्धि नवजात शिशु एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी लाकरा एवं डॉक्टर हीना भांडेकर ने बच्चों की चिकित्सा एवं जांच के बाद उन्होंने परिजनों से कहा कि आमतौर पर छोटे बच्चों में इन्फेक्शन का डर ज्यादा होता है, इसलिए बच्चों को साफ सुथरा वातावरण में रखें एवं चिकित्सक परामर्श नियमित रूप से लेते रहें। साथ ही कहा कि समय समय पर बच्चों को टीका भी दिलवाना चाहिए। छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देना माता पिता का पहला कर्तव्य है। स्थानीय विधायक समीर मेघे ने स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर सहर्ष भेंट दी और कहा कि इस विद्यालय में छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों का स्वस्थ रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के आयोजन से बच्चे अधिक शिक्षित और स्वस्थ रहेंगे। वे आगे चलकर हमारे समाज, जिला, राज्य, देश का नाम रोशन करेंगे। आज की जीवन शैली से उपजी चुनौतियां में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ज्यादा बेहद जरूरी है। ऐसे में बच्चों को लेकर वयस्क लोगों को भी स्वास्थ्य जांच समय समय पर करवाते रहना चाहिए। स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर ही चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के संकेत दिए गए थे, किंतु अब 14 महानगर पालिकाओं के साथ अन्य चुनावों को लेकर ओबीसी सहित अन्य आरक्षण नए सिरे से होने की जानकारी सूत्रों ने दी। नए सिरे से आरक्षण होने के कारण अब इच्छुकों में हड़कंप मचा हुआ है। उल्लेखनीय है कि 3 सदस्यीय प्रभाग रचना होने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। इसके बाद प्रभाग के अनुसार मतदाता सूची तक निश्चित की गई थी, किंतु अब ओबीसी आरक्षण निर्धारित होने से उसके लिए भी सीटें सुनिश्चित की जाएंगी। माना जा रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण निकालने के बाद बचे प्रभागों में से ही ओबीसी का आरक्षण निकाला जाएगा, किंतु अब नए सिरे से आरक्षण होने से प्रभागों के समीकरण ही बदले जाएंगे। जानकारों के अनुसार 3 सदस्यीय प्रभाग रचना के आरक्षण निर्धारित होने के बाद भले ही चुनाव लगातार टलते जा रहे थे, किंतु इच्छुकों ने प्रभाग की स्थिति के अनुसार चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। जुलाई माह की शुरुआत से निरंतर हो रही बारिश के कारण राज्य के अन्य हिस्सों की तरह विदर्भ और विशेष रूप से नागपुर जिले की कई गांवों में बाढ़ के कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है। ठीक बुवाई के समय ही बाढ़ आने के कारण किसानों की खेती को भारी नुकसान हो गया। किसान इस वर्ष कोई फसल लेने की स्थिति में नहीं बचा है। ऐसे में किसानों को सीधे उनके खाते में प्रति हेक्टर 1 लाख रुपए की नुकसान भरपाई देने की मांग पूर्व मंत्री सुनील केदार और जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र मुलक ने पत्र परिषद में की। उल्लेखनीय है कि नागपुर जिले में बाढ़ के कारण हुए फसलों के नुकसान का अवलोकन करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के आदेशों के अनुसार समिति का गठन किया गया था। पूर्व मंत्री केदार के नेतृत्व में बनी समिति में राजेंद्र मुलक, विधायक विकास ठाकरे, राजू पारवे, वामन राव कासावार, वीरेंद्र जगताप, हरिभाव मोहोड, रविंद्र दरेकर, रश्मि बर्वे को शामिल किया गया। समिति ने नागपुर जिले के कई इलाकों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने कहा कि समिति की ओर से नागपुर जिले के नरखेड़, काटोल, कलमेश्वर, सावनेर, पारशिवनी, रामटेक, कामठी, मऊदा, कुही, भिवापुर, उमरेड, हिंगना आदि क्षेत्र का दौरा किया गया।
सबसे मूलभूत व अनिवार्य सुविधाओं में शौचालय शामिल है, लेकिन जिले के ग्रामीण भागों में छोटे छोटे बच्चों की शुरुआती शिक्षा और स्वास्थ्य का देखभाल करने वाले आंगनवाड़ी भी अनिवार्य सुविधा से वंचित है। महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीण भागों के प्री नर्सरी कहलाने वाले आंगनवाड़ी के छोटे छोटे बच्चों को मजबूर होकर खुले मैदान का उपयोग करना पड़ रहा है। जिले में कुल 2423 आंगनवाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से 531 में शौचालय की सुविधा नहीं है। अनेक जगहों पर शुद्ध पेयजल का भी अभाव है। बच्चे बोरिंग का पानी पीने को मजबूर है। आंगनवाड़ियों का संचालन एकात्मिक बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। आंगनवाड़ी सेविकाओं और मददनीस के माध्यम से बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है और नियमित स्वास्थ्य जांच आदि की जाती है। पूरे देश में स्वच्छता अभियान बड़े जोर शोर वर्षों से चलाया जा रहा है, लेकिन आंगनवाड़ियों में सबसे बेसिक सुविधा शौचालय का न होना अभियान पर सवाल खड़ा कर रहा है। नियमानुसार 1000 जनसंख्या के पीछे एक आंगनवाड़ी शुरू की जा सकती है और एक आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या पर किसी तरह का कोई बंधन। बारिश के साथ ही कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के भीतर जिले में 2615 नमूनों की जांच की गई। इनमें 284 संक्रमित पाए गए। संक्रमित होने वाले में सिटी के 188 और ग्रामीण के 96 लोगों का समावेश है। इस बीच जिले में 174 लोग कोरोना से मुक्त भी हुए। कोरोना से मुक्त होने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ने से रिकवरी रेट भी अब 98% पर ही बना हुआ है। फिलहाल जिले में 1527 एक्टिव केस है। इनमें 1462 लोग होम आइसोलेशन में रहकर उपचार करा रहे हैं। अब अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। पिछले 2 वर्ष से RTM नागपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग व संलग्नित महाविद्यालयों में प्रवेश केंद्रीय पद्धति से हो रहे थे। इस बार विश्वविद्यालय केवल अपने स्नातकोत्तर विभागों में स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश पूर्व परीक्षा PPE का आयोजन करेगा, जबकि कॉलेजों में मेरिट के आधार पर प्रवेश होंगे। इस संबंध में 16 अप्रैल को प्रबंधन परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था। महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले छात्रों को स्नातक का परिणाम घोषित होने पर 20 दिनों के भीतर विकी की वेबसाइट पंजीयन करना आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। पश्चात रजिस्ट्रेशन की प्रिंट लेकर संबंधित महाविद्यालय जहां प्रवेश लेना है वहां जमा करना होगा। यह स्नातक का परिणाम घोषित होने के 20 दिनों के भीतर ही करना है। विश्वविद्यालय के पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड किए बिना कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलेगा। कॉलेजों में स्नातकोत्तर प्रवेश की प्रक्रिया 25 दिनों के भीतर पूरी करना है। जिन कॉलेजों में प्रवेश पूर्व परीक्षा ली जाती है उन्हें भी 25 दिनों के भीतर ही मेरिट सूची घोषित करना है। एक ही छात्र द्वारा 2 बार पंजीयन न हो, इस बारे में कॉलेजों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बरसात के मौसम में जहां स्वास्थ्य विभाग लोगों को बीमारी से बचने के लिए स्वच्छ पानी पीने की सलाह दे रहा है, वहीं शहर से गुलशन नगर वासियों को पीने के पानी के लिए साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। उनके यहां नालों में पानी तो आ रहा है, लेकिन गटार का। लोगों का आरोप है कि बरसात के मौसम में पाइपलाइन कहीं से फूट गई है, से गंदा पानी लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा है। इस मामले में लोगों ने अपने स्तर पर जिम्मेदार विभाग में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल पाया है। गुलशन नगर कश्मीरी गेट निवासी विलास नंदनवार, अजय पाटिल, सुधा स्वप्न के साथ कई लोगों का कहना है कि नालों में आने वाले गंदे पानी की समस्या करीब 2 महीने से ही है। इस पानी को पीने से बड़ों के साथ बच्चों को डायरिया बुखार जैसे रोगों का शिकार होना पड़ रहा है, लेकिन इस मामले में कोई जनप्रतिनिधि उनकी आवाज संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे, जिससे लोग परेशान हैं। गंदे पानी की यही समस्या दूसरे इलाकों में भी है। वहीं कुछ जिम्मेदार अधिकारी बारिश को इसका कारण बता रहे हैं। बुद्ध विहार गणेश नगर कनान में तथागत बुद्ध के जीवन पर आयोजित चित्रकला स्पर्धा के विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस स्पर्धा का आयोजन भारतीय बौद्ध महासभा, पे बैंक टू सोसाइटी संस्था और बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी ने किया। माननीय भदंत KCL लामा महाथेरा, भगवान नितनवरे, प्रीतेश पौनीकर, विनायक वागधरे आदि मान्यवरों के हाथों पुरस्कार वितरित किए गए। टॉप 3 विजेता यशवंत भोरंगे, प्रियल प्रीतम शेंडे, अंश जितेंद्र कोलते को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए गए और सेकंड रनर अप साईशा शेंडे, नलिनी चौरे, वेद चौरे, रौनक सहारे, आर्यन ठाकरे, मानवी वासनिक, मयंता मोटघरे, सायली सहारे, चाहत देशपांडे,
नमन रामटेके, तमन्ना देशपांडे, वंश बेलेकर को मेडल से नवाजा गया। आयोजक सुधीर धनविजय, होमराज सहारे, शैलेश भगत, प्रमोद सहारे, सुमेध मेश्राम, निखिल पाटिल, अमोल गवली, पंकज मेश्राम, निखिलेश टेंभुर ने, रिंकेश चवरे, कुशाल बंसोर, मनोज बारसांगड़े, अश्वमेघ पाटिल आदि के सहकार्य से कार्यक्रम सफल हुआ। कार्यक्रम का संचालन इंजीनियर अश्वमेघ पाटिल ने किया। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एवं पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। 12वीं परीक्षा में क्रमशः 94.60% एवं 93% अंक लाने वाले रुषिता सतीश पालीवाल एवं यश रमेश पालीवाल के घर जाकर पालीवाल समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उनका सत्कार किया। इसी तरह 10वीं कक्षा की छात्रा कशिका उमेश पालीवाल ने भी 89% अंक लाने के लिए सत्कार किया गया। पालीवाल समाज के अध्यक्ष वसंत कुमार पालीवाल, उप सचिव पंडित खुशहाली रामजी पालीवाल, गोपीलाल पालीवाल, दालचंद पालीवाल, खुशाल पालीवाल, पंडित जेठमल पालीवाल, किशोर पालीवाल, अनूप पालीवाल, महेंद्र पालीवाल आदि ने इस मेधावी विद्यार्थियों का सत्कार बुके और मिठाई देकर किया और भविष्य में आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की पूर्व विदर्भ संयोजिका संतोष दीपक लड्ढा द्वारा महिलाओं के लिए निशुल्क स्वर संरक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन वर्धमान नगर स्थित श्रेयस विद्यालय में किया गया। सैकड़ों की संख्या में लड़कियों ने इस प्रशिक्षण शिविर का लाभ उठाया। शिविर के प्रशिक्षक भरत ठाकरे ने लड़कियों को स्वयं की रक्षा किस तरह से कर सकते हैं, छोटे छोटे सेल्फ डिफेंस टिप्स दिए एवं साथ में प्रैक्टिकल भी करवाया। शिविर में मुख्य रूप से विधायक कृष्णा खोपड़े, पूर्व उप महापौर मनीषा धावड़े, नगर सेविका एवं सभापति कांता ररोकर, श्रेयस विद्यालय के संचालक दिलीप जी सारड़ा उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्कूल की प्राचार्य अंबादे मैडम का आभार कार्यक्रम की आयोजिका संतोष दीपक लड्ढा ने माना। शनिवार 16 जुलाई को सुबह राग बांध फटने के बाद कोराडी थर्मल पावर स्टेशन को तुरंत बंद कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि पावर स्टेशन के अधिकारियों, इंजीनियरों और कर्मचारियों के प्रयासों से इस पानी के बहाव को सफलतापूर्वक रोक दिया गया। इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। रागबान में तत्काल आपातकालीन नियोजन कार्य किया जा रहा है। महाजेनको के निदेशक चंद्रकांत थोटवे, कार्यकारी निदेशक पंकज सपाटे, डॉक्टर नितिन वाघ ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और फिर कन्हान नदी तक राख से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन को 17 जुलाई से प्रभावित व्यक्तियों, पशुओं, कृषि भूमि, नालों, कुओं आदि को हुए नुकसान की सूचना दी गई थी। साथ ही पावर स्टेशन द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण निरीक्षण अभियान भी चलाया गया था। स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाकर इस काम को पूरा कर लिया गया है। प्रभावित नागरिकों और स्थानीय सरपंच की मांग के अनुसार गाँव में तुरंत टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की गई और क्षेत्र में बीमारी फैलने से रोकने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। रेलवे लाइन के नीचे मसाला टोली बस्ती के प्रभावित नागरिकों को उनकी मांग के अनुसार बिजली केंद्र द्वारा तत्काल आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। सावनेर धापेवाड़ा गोंडखेरी 4 लेन रोड में फ्लाईओवर पर अंडरपास या अरोबी के किनारे की दीवारों पर विट्ठल रखुमाई, अदासा के गणपति और कोलबा स्वामी की जीवन यात्रा पर प्रकाश डालकर भक्ति मार्ग बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को अपील की कि सभी नागरिकों को सड़क के निकटवर्ती गांवों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 547 के सावनेर धापेवाड़ा गोंडखेरी 4 लेन कार्य के उद्घाटन के अवसर पर भाषण दे रहे थे। इस अवसर पर रामटेक सांसद कृपाल तुमानी, विधान परिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर गडकरी ने कहा कि गोंडखेरी सावनेर अदासा मार्ग पर 9 करोड़ रुपए की लाइट लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है और पुल के सौंदर्यीकरण के लिए 40 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर जिले में 50,000 करोड़ रुपए के कार्यों में से 30,000 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और नागपुर शहर में 1 लाख करोड़ से अधिक विकास कार्य हो चुके हैं। इस अवसर पर उन्होंने दर्शकों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी।
भारतीय रेलवे आजादी का अमृत महोत्सव भव्य तरीके से मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की प्रस्तावना के रूप में मध्य रेलवे 18 से 23 जुलाई 2022 तक मध्य रेलवे के विभिन्न डिवीजनों और स्टेशनों पर आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशनों के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में मध्य रेलवे के नागपुर मंडल दिनांक 22 को आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में नागपुर के जीरो माइल से वर्धा के बापूकुटी तक कुल 75 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत नागपुर मंडल के मंडल खेल अधिकारी कृष्णनाथ एस पाटिल के नेतृत्व में की गई। यह रैली नागपुर के फ्रीडम पार्क जीरो माइल से सुबह 6 बजे को शुरू की गई, जिसको अपर मंडल रेल प्रबंधक जय सिंह द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया तथा मंडल खेल अधिकारी कृष्णनाथ पाटिल द्वारा लीड किया गया। यह रैली सेवाग्राम के बापूकुटी सुबह 11 बजे पहुंची। इस रैली में एसपी जीआरपीएम राजकुमार, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निर्भय कुमार, उप मुख्य अभियंता गौतम कुमार, वरिष्ठ मंडल अभियंता प्रथम अग्रवाल, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक रामप्रसाद गुप्ता, सहायक वाणिज्य प्रबंधक हेमंत कुमार बेहरा एवं 25 कर्मचारी एवं उनके परिजनों ने भाग लेकर रैली को सफल बनाने में योगदान किया। पिछले 2 दिनों से हर दिन हरिओम सोसाइटी के रहवासियों को शाम के समय बम फटने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। वह आवाज इतनी जोरदार थी कि बम फटने या कुछ जोर से बजने की आवाज हो, इससे स्थानीय निवासी भयभीत हो चुके थे। निकटवर्ती परिसरों में रहने वाले लोगों में दहशत है। नागरिकों ने बताया कि ये आवाज भूकंप की तरह जमीन को हिला देने जैसी थी। 2 दिन तक इस तरह की आवाज सुनकर नागरिकों ने विधायक समीर मेघे को घटना की जानकारी दी। इसी बीच विधायक समीर मेघे ने हरिओम सोसाइटी का दौरा कर घटना स्थल का निरीक्षण किया। आवाज सुनने के लिए विधायक मेघे करीब 1 घंटे तक रुके। ये आवाज कहां से और क्यों आ रही है इसकी जानकारी ली। नागरिकों के साथ चर्चा करने के बाद अनुमान लगाया गया, लेकिन क्षेत्र के आसपास कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कंपनी या इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं है, कोई खदान, कोई माइन नहीं है। इसलिए सभी में उत्सुकता है कि ये आवाज कहां से और क्यों आ रही है। निरीक्षण के दौरान वाड़ी थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनवर भी घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन ऐसी कोई आवाज नहीं आई। हरिओम शुक्राना सिंधी कॉलोनी खामला में दिव्या पंजवानी की स्मृति में एकादशी की पूर्व संध्या पर राधा कृष्ण भक्त परिवार के दामोदर दास के निवास स्थान पर सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग की शुरुआत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र से हुई। दामोदर दास ने संसार के बदलाव के चक्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सांसारिक बंधनों में हर कोई इतना उलझा हुआ है कि लोगों के पास अपने आप के लिए भी समय नहीं रहता, जबकि रिश्ते नाते भी परिस्थितियों के अनुसार बदलने में देर नहीं लगती। अनेक उदाहरणों को संगत के समक्ष रखते हुए अपने लिए समय निकालने एवं सत्संग कीर्तन का संग करने पर बल दिया। इस अवसर पर हरिदेवी पंजवानी, मुस्कान, अमृता पंजवानी, विनीता, अंकिता कुंदनानी, पुष्पा रिया लालवानी, सोनी, निकिता साधवानी, ममता जेसवानी, समायरा केवल रामानी, तुलसी देवी चंदवानी, मीरा देवी जेठानी, राम प्यारी टेकचंदानी सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। नागपुर के एक 15 वर्षीय किशोर को अमेरिका में ड्रीम जॉब मिलने वाला था, लेकिन कंपनी अधिकारियों ने उसकी उम्र जानने के बाद तुरंत जॉब ऑफर देने का प्रस्ताव वापस ले लिया। दरअसल कुछ दिन पहले कंप्यूटर स्किल्स में माहिर वेदांत देवकटे अपनी मां के लैपटॉप पर इंस्टाग्राम ब्राउज कर रहा था, तभी उसे एक वेब डेवलपमेंट प्रतियोगिता के बारे में जानकारी मिली। उसने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया और केवल 2 ही दिन में 2066 लाइनों की प्रोग्रामिंग कोड लिखी। इतनी बेहतरीन प्रोग्रामिंग स्किल्स की जांच करने के पश्चात वेदांत को उस अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा पूर्णकालिक रोजगार स्वीकार करने का अवसर दिया गया था। उसने प्रतियोगिता में जीत भी हासिल की। वेदांत को सालाना 33 लाख रुपए वेतन का जॉब ऑफर मिला। दुनिया भर में 1000 प्रतिभागियों में से चुने गए वेदांत को न्यू जर्सी की एक विज्ञापन कंपनी की HRD टीम में कार्य करने की पेशकश की गई थी, लेकिन जल्द कंपनी अधिकारियों को जानकारी मिली कि वो केवल 15 वर्षीय छात्र है, तब उन्होंने ऑफर वापस लेने का फैसला किया। हालांकि कंपनी के HR विभाग के अधिकारियों ने वेदांत को निराश न होकर अपनी आगे की शिक्षा पूरी करने की सलाह दी और ये भी कहा कि पूरी टीम इतने कम उम्र के छात्र की बेहतरीन प्रोग्रामिंग स्किल्स से हैरान है। वेदांत के माता पिता ने इस असाधारण उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से स्थापित महिलाओं का संगठन राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच शाखा महावीर वार्ड नागपुर की कार्यकारिणी का रविवार को हुई सभा में निर्विरोध चयन किया गया। कल्पना सावलकर को अध्यक्षा, प्रतिभा नखाते महामंत्री पद पर चयन किया गया।
कार्यकारिणी समिति में संरक्षिका आरती जगदीश गिल्लरकर, सुनंदा शरद मचाले, संयोजिका प्रिया मनोज बंड, कार्याध्यक्षा शुभांगी नितिन लांबाड़े, उपाध्यक्ष मंगला किशोर मेंढे, मंत्री स्वाति मिलिंद तुपकर, कोषाध्यक्षा मनीषा संजय नखाते, प्रवक्ता रूपाली राकेश पंडित, सांस्कृतिक मंत्री आरती नरेंद्र महात्मे, सदस्या सीमा अनंत कुमार शिवनकर, शीला शांतिनाथ भांगे, स्वाति सुरेश महात्मे, मनीषा नितिन रोहने, विभा चंद्रशेखर भागवतकर, वैजयंती विजय कापसे, ममता नरेश मचाले, ज्योत्सना शांतिनाथ रणदिवे, प्रणीता रितेश बोबड़े, जयश्री जैन पलसापुरे, मनीषा राजेश नायगावकर, पूजा शैलेश मोदी, ममता शंकर राव रणदिवे, संगीता नितिन नायगावकर, ज्योति विजयराव भुसारी, हेमलता जैन, प्रतिमा प्रदीप सावरकर, मनीषा प्रमोद शाहकार, निकिता निलय मुधोलकर आदि पदाधिकारी एवं सदस्याएं शामिल की गई है। सावनेर स्थित स्थानीय अरविंद इंडो पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए मनाया बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार मनोज कुमार का 85वां जन्मदिन। मनोज कुमार एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक है। मनोज कुमार उर्फ हरि किशन गिरी गोस्वामी का जन्म 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। मनोज कुमार के माता पिता ने उन दिनों भारत को चुना और दिल्ली आ गए। मनोज कुमार को बचपन से ही एक्टिंग करने का काफी शौक रहा। वे अशोक कुमार, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के बहुत बड़े फैन थे। उनकी हर फिल्म देखना पसंद करते थे और उनकी फिल्मों से प्रभावित होकर ही उन्होंने अपना नाम हरि किशन से बदलकर मनोज कुमार कर लिया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1957 में आई फिल्म फैशन से की थी। इसके बाद 1960 में उनकी फिल्म कांच की गुड़िया रिलीज हुई। इस फिल्म में वो बतौर लीड अभिनेता नजर आए थे, जो सफल रही। मनोज कुमार ने उपकार पत्थर के सनम, रोटी कपड़ा और मकान सन्यासी और क्रांति जैसी कमाल फिल्में दी। विद्यार्थियों ने उनके डायलॉग बोले, उनकी फिल्मों की सूची बनाई और उनके बारे में जानकारी लिखी। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके मी न्यूज़। नमस्कार।